हनुमान जी ने क्यों अपना सीना चीर कराए थे प्रभु राम और माता सीता के दर्शन। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, महावीर, अंजनी पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा करने से जीवन के संकट कम हो जाते हैं और सुख शांति रहती है। अगर आपके घर में या मन में नकारात्मकता आ रही है तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना लाभदायक है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करना सबसे फायदेमंद माना जाता है। इस दिन आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती का पाठ कर बजरंग बली को प्रसन्न कर सकते हैं। हम सभी ये तो जानते हैं कि बजरंग बली ने अपना सीना चीर कर दिखाया था, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार दरबार में भगवान का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में माता सीता ने हनुमान जी को उपहार के रूप में माला दी। माता सीता ने रत्नों से बनी हुई एक बेशकीमती माला हनुमान जी को दी, जिसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी इस माला को लेकर थोड़ी दूर गए और अपने दांतों से उसके एक एक रत्न को तोड़ने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने हनुमान जी को देखा तो सब चौंक गए। लक्ष्मण जी ने जब हनुमान जी को देखा तो उनके इस कार्य पर क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने इसको प्रभु का अपमान समझा। इस बात को लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम को बताया और कहा कि माता सीता ने हनुमान को कीमती माला दी और उन्होंने माला को तोड़ दिया। भगवान राम लक्ष्मण जी को जवाब देते हुए कहते हैं कि हनुमान ने माला क्यों तोड़कर फेंकी, इसका कारण उन्हें ही पता होगा। इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे लिए हर एक चीज़ वो व्यर्थ है जिसमें राम नाम ना लिखा हो। मैंने माला ली और देखा कि उसके रत्नों पर राम नाम नहीं लिखा था। हनुमान जी आगे कहते हैं कि कोई भी चीज़ श्री राम के नाम के बिना अमूल्य हो ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। हनुमान जी का जवाब देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शरीर पर भी तो राम नाम नहीं लिखा है, तो शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और उसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद लक्ष्मण जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी क्षमा मांग ली। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए